तो आज मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ, तो इसके लिए प्याज काट ली हूँ, शिमला मिर्च काट ली हूँ, गाजर काट ली हूँ और मटर को भी छील लिया है। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें जीरा डालूंगी। जीरा चटक चुका है तो प्याज डाल देती हूँ। तो दो से तीन बार प्याज को चलाऊंगी। और इसमें एक बार और चला देती हूँ और इसमें मटर डालूंगी। और इसमें शिमला मिर्च और इसमें गाजर को डाल दूंगी। छोटे छोटे काटी हूँ सभी सब्जियों को। दो से तीन बार सभी को भूनूंगी। हरी सब्जी है इसलिए ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना है। मसाला डाल देते हैं। हल्दी एक चम्मच, धनिया एक चम्मच, मिर्च स्वाद अनुसार, तीखा जितना खाते हैं उस हिसाब से रखिए, और नमक स्वाद अनुसार। इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को गलने तक पकाऊंगी। गरम मसाला आधी चम्मच और दो से तीन बार इसे फ्राई करूंगी। अभी गैस को मैं स्लो रखी हूं जिससे चिपके नहीं मसाला। और इसमें बहुत थोड़ी सी पानी डालूंगी। और इसे ढक के पकाऊंगी गलने तक। इसमें दो मिनट के लिए इस तरह से छोटे छोटे से काटे हैं प्याज, इसको डाल देते हैं जिससे और भी टेस्टी लगेंगे। तो इसमें गलने देते हैं प्याज को। और ये गल चुका है प्याज भी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तो चलिए इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मैं सर्व कर चुकी हूँ। देखिए कितना टेस्टी, कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए आपको जिसके साथ भी खाने का मन है खाइए, बनाइए और खाइए। तो हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।